अपने पतियों को अगर वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनका साथ दिया करो, अगर वो दान देते हैं तो बढ़ चढ़ के साथ दिया करो। इसलिए जो भगवान का नाम लेने से, दान देने से नटे, या तो उसकी टांग टूटे या उसकी बोलना पड़ेगा। क्यों? जब बलि राजा दान कर रहे थे तो गुरुजी ने आके मना किया, उसकी आंख फूटी थी, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के लिए दान दिल खोल कर करिए। ना गिन कर देता है, ना तोल कर देता है, जब भी देता है वो अपने भक्त को बड़े प्यार से देता है। सुदामा चावल लेके गए थे और भगवान ने उसे दो लोक की संपदा दी है, तो तुम देते क्या हो? मांगने तो लग जाते हो, देते क्या हो? बोलना पड़ेगा महाराज। 24 गुरुओं की कथा सुनाई है कि आकाश से परीक्षित दत्तात्रेय भगवान ने ये सीखा कि हम सबको उसकी भांति सबको आश्रय देना चाहिए। सर्प से यह सीखा कि ज्यादा प्रपंच में बसने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार सर्प दूसरे के बिल में घुसकर अपना गुजारा कर लेता है, वैसे ही जितनी भी जितना भी जो परमात्मा ने आपकी मेहनत से दिया है उसका आपको गुजारा करना चाहिए। जहां से भी आपको शिक्षा मिले लेनी चाहिए। भागवत धर्म को बताया है और 7 दिन की कथा पूरी हो गई। परीक्षित से श्री सुखदेव ने कहा, परीक्षित 7 दिन पहले तो इस पीड़ा के साथ आया था कि तेरी मृत्यु होगी। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, तूने हजारों पूछे। तो परीक्षित कहता है, महाराज ये देह मिट्टी है, आत्मा परमात्मा का अंश है, जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। कथा सुनाई, अनुग्रहित हुआ, सिद्धोष्मी हुआ, प्रणाम किया, कथा सुन ली, जो होना है वो होगा। संत का श्राप था, तक्षक आया, परीक्षित को डस लिया, लेकिन उससे पहले परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा चुका था। बोलना पड़ेगा महाराज। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो होना था वो फिल्म रिलीज हो चुकी है। राम नाम जीवन में धारण करके उस जीवन की नौका को पार लगाइए। अपने कर्मों का जो आपको मिला है वो आपको भोगना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। क्यों? भगवान का नाम ही आपको संसार सागर से पार लेके जा सकता है। एक बात पूछूं, कौन कौन मानता है कि ये देह ये शरीर आपका है? तो एक बार शमशान भूमि में जाके जरूर देख के आना माता जी। कौन कौन मानता है कि ये शरीर एक दिन मिट्टी हो जाना है? कौन कौन मानता है कि आपके शरीर के अंदर बैठी आत्मा उस परमात्मा का अंश है? तो फिर आपका है क्या? एक कहानी सुनाऊं? अब भी अगर भ्रम है तो एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक बाप अपनी बेटी के घर गया, उसकी ससुराल में। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। और ससुराल में जाकर बेटी ने कहा, पिताजी भोजन कर लो। तो पिताजी कहते, ना बेटा, मैं बेटी के घर का नहीं खा सकता, मेरा धर्म है। ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। और वो भगवान को बड़ा मानता था, पूजा पाठ करता था। सो गया, सोते हुए उसके सपने में भगवान आए और भगवान रोते रोते बोले, अरे मेरे भगत, ये क्या किया तूने? तो उसने कहा, मैंने क्या किया? भगवान ने कहा, अरे घर पे तो तू जब भी मुझे भोग लगाता या घर पे रहता तो कहता, भगवान तेरा है, तेरा है, तेरा है। और यहाँ आके तूने बेटी के घर कह दिया कि तेरी बेटी का है, बेटी का है। तो वहां तेरा है और यहाँ तेरी बेटी का है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोलना पड़ेगा, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस भाव को वो गाता था, आज भगवान ने उसे याद दिला दिया कि वहां भी भगवान का है और वहां भी भगवान का है।
बेटी से कहता है बेटी भोजन लेके आ, बेटी कहती पिताजी पहले तो मना कर दिया तो अब कहता है बेटी भगवान ने आंखें खोल दी। कौन किसी से मांगता है, कौन किसी को देता है, कौन किसी का खाता है, सब भगवान का है, हम सब भी भगवान के हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। इसलिए उदास मत होइए, आपका वास्तविक पिता, आपका वास्तविक संबंध, आपका सब कुछ भगवान है। बस उस भगवान पर विश्वास करिए और अपने जीवन में मुस्कुराइए, बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन देखिए मंथरा भी अयोध्या में रहती है और भरत भी अयोध्या में रहता है, लेकिन जब तक भरत रूपी सत्संग अयोध्या में रहता है तब तक मंथरा रूपी उस कुटिल की कुमति काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही भरत रूपी सत्संग ननिहाल चला जाता है तो मंथरा केकई के कान भर देती है, बोलना पड़ेगा। और केकई से कहती है राम राजा बन गया तो तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी। जैसे ही आपके जीवन से सत्संग दूर जाएगा वैसे ही आपके जीवन में मंथरा रूपी कुटिलता आ जाएगी, कुमिति आ जाएगी, बोलना पड़ेगा हमारा। जब राजमहल में अयोध्या में कुमिति आ गई, कुसंग आ गया, तो राम जी वन में चले गए। काम क्रोध, जब ये काम क्रोध लोभ जब ये तीन आते हैं तो तीन चले जाते हैं। काम दशरथ के मन में आया, चला गया। क्यों? केकई से प्रेम करता था। लोभ केकई के मन में आया तो केकई चली गई। और ईर्ष्या मंथरा के मन में आई। इसलिए कुमिति रूपी संसार से निकलने के लिए सुमिति रूपी भरत को ही आपको जीवन में लाना होगा, आपके जीवन में आपके को सत्संग को लाना होगा, बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा।